देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूं वो जगह है बाजार समिति और यहां स्पोर्ट रूम बनाया गया था और आज मतगणना अभी कुछ देर में स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद मैं ये दिखाना चाह रहा हूं अपने दर्शकों को किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था किया गया है। हमारे बगल में अभी देखिए एसपी महोदय जा रहे हैं और सुरक्षा की इतनी कड़ी व्यवस्था की गई है, 3 लेयर में सुरक्षा की गई है और मीडिया के लिए यहाँ पे रूम बनाया गया है जहाँ पे एक मॉनिटर लगाया गया, 3-3 मॉनिटर और वहाँ से ही लाइव हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और दर्शकों को एक चीज़ और बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है, जो लोग भी आ रहे हैं उनको पूरा विधिवत थर्मल स्कैनिंग के साथ साथ पूरी बॉडी का चेकअप करके और किसी भी तरह से मोबाइल तक को ले जाना वर्जित किया गया है। अंदर में कोई भी पब्लिक किसी भी तरह का हो वो अंदर नहीं ले जा सकता है मोबाइल। और रही बात उम्मीदवार की, तो उम्मीदवार की दो 3 लोगों को अंदर ले जाकर अपना काउंटर पे दिखाएंगे किस तरह से सर्टिफाइड करने का। एसपी डीएम पूरी पहुँच गए हैं और कुछ देर में हम लोगों को दर्शकों को बता दें कि थोड़ा देर में काउंटिंग स्टार्ट होगा और पल पल की जानकारी मीडिया दर्शक अपने दर्शकों तक पहुँचाती रहेगी। देख रहे हैं कि एसपी महोदय अपने सभी स्टाफों को सुरक्षा के मद्देनजर सबको जो है ब्रीफ कर रहे हैं, किस तरह से वो बता रहे हैं मेरे पीछे में डिपार्टमेंट की सभी स्टाफों को एक ब्रीफ किया जा रहा है कि किस तरह से निष्पक्ष जो है मतगणना करानी है, किसी भी तरह से कोई भी उम्मीदवार कोई एलिगेशन नहीं लगा पाए अन्ना, कोई ईवीएम पे सवाल उठा पाए, ये बड़ा दिलचस्प होगा। पूरे अधिकारी और पूरी सुरक्षा एसपी ने संभाल लिया है मोर्चा आकर और डीएम कुछ देर पहले उन्होंने बताया कि 3 लेयर में सुरक्षा की गई है और किस तरह से काउंटिंग करेंगे सभी जानकारी उन्होंने दिया है। और एसपी आके पूरी तरह से दिलनवाज अहमद अभी थोड़ी देर पहले इन किए हैं और वो अपने पूरे स्टाफों को ये जानकारी दे रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। मीडिया के लिए यहाँ पे बनाया गया वो पल पल की जानकारी डीएम महोदय ने बताया है कि मीडिया को यहीं से मिलेगी, इसके अंदर मीडिया को भी जाना बैन लगाया गया है, इसके से आगे मतगणना तक मीडिया भी प्रवेश नहीं कर सकता है। अभी हम पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को हम इसी तरह से इसी माध्यम से देते रहेंगे।